नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला है देश प्रदेश की कुछ खास खबरों का। उत्तर प्रदेश हाई स्कूल परीक्षा में सीतापुर की प्राची निगम ने टॉप किया है। आपको बता दें कि 600 में से 591 नंबर प्राची निगम को मिले हैं, तो वहीं फतेहपुर सीकरी की दीपिका सोनकर को 600 में से 590 अंक प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रही। सुल्तानपुर सांसद मेनका संजय गांधी ने महाराष्ट्र में समुद्र के अंदर मछली पकड़ने गए 92 मछुआरों को तटरक्षक बलों ने अघोषित बंदी बना लिया था, जिसको मेनका गांधी ने अपने प्रयासों से छुड़ाया। सांसद की इस मदद से सुल्तानपुर के निषाद समुदाय में काफी हर्षोल्लास का माहौल है। सुल्तानपुर में केंद्रीय विद्यालय अमहाट में मतदान प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक ने बेहतरीन मतदान करने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सभी कर्मचारियों को 100% उपस्थित रहने के लिए भी आदेश दिया। अमेठी में जिलाधिकारी निशा अनंत और मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल ने पहले दिन मतदान कर्मियों, पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों को मास्टर ट्रेनरों के द्वारा प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रशिक्षण दिया। अमेठी के मोहनलाल शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज अशरफगढ़ कठौरा में हाई स्कूल परीक्षा में ज्योति वर्मा ने और इंटर में दीपशिखा शर्मा ने टॉप किया। कॉलेज प्रबंधन ने बच्चों का मुंह मीठा कराकर बधाई दी। अमेठी के धनंजय इंटर कॉलेज में सौरभ सिंह ने हाई स्कूल की परीक्षा में 96.33% अंक लाए, तो वहीं श्री शिव प्रताप सिंह इंटर कॉलेज के गुलाब चौहान ने 96.40% के साथ जिले में टॉप किया। जौनपुर में पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा ने लोकसभा चुनाव में शांति और सुरक्षा के साथ मतदान कराने के लिए डीएसपी प्रतिभा वर्मा और पुलिस बल के साथ किराकत कस्बे में पैदल गश्त किया, जनता में सुरक्षा की भावना का एहसास जगाया। जौनपुर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी श्रीकला धनंजय सिंह ने होटल सिद्धार्थ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पत्रकारों को बताया कि हमारी लड़ाई किसी पार्टी प्रत्याशी से नहीं है, 4 जून को रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा। जौनपुर के भाजपा जिला कार्यालय में लोकसभा मछली शहर की संयुक्त मोर्चा बैठक में प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य ने सभी पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बीपी सरोज को जिताकर लोकसभा भेजने की अपील की। बहराइच के विकासखंड फकरपुर के ग्राम पंचायत कोथवल कला में किसान नेता समी अहमद कबीर ने उपजिलाधिकारी को साफ सफाई और मच्छरों से हो रही परेशानियों के बारे में ज्ञापन देकर अवगत कराया। बहराइच के रामगांव थाना इलाके में मौजूद संजय मेमोरियल इंटर कॉलेज सोहरवा में अंकित सिंह ने 474 नंबर लाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो वहीं दूसरे नंबर पर रजनीश चौहान ने 400 नंबर हासिल किए। बहराइच में हाई स्कूल के 3 छात्रों ने संयुक्त रूप से टॉप किया, जिसमें बाल शिक्षा निकेतन की कामिनी सिंह, APKIC चिरैया डाड़ के छात्र सत्यम गुप्ता और त्रिभुवन दत्त स्मारक इंटर कॉलेज के छात्र पीयूष श्रीवास्तव को 96.83% नंबर मिले, तो वहीं दूसरे स्थान पर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्र रोहित कुमार शुक्ला को 96.5% नंबर मिले और तीसरे स्थान पर बाल शिक्षा निकेतन की छात्रा सुमेधा सिंह और सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा प्राची को 96.33% अंक मिले। रामपुर लोकसभा सीट का चुनाव संपन्न होने के बाद निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देश पर मंडी परिषद में प्रत्याशी और उनके अभिकर्ताओं की मौजूदगी में स्क्रूटनी संपन्न कराई गई। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इलाके में मौजूद सरयू सहकारी चीनी मिल बेलराया 2 दिन से बंद पड़े, जिसकी वजह से किसान अपनी फसलों को चिलचिलाती धूप में लेकर इंतजार करने के लिए मजबूर हैं। अपनी समस्या लेकर किसानों ने चीनी मिल के GM से मिलने की कोशिश की, तो GM साहब ने अपने आवास का दरवाजा बंद करते हुए किसानों से मिलने से इनकार कर दिया। लखीमपुर खीरी के जयपुरिया स्कूल में अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों को मॉक ड्रिल करके जागरूक किया गया। मेरठ में राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नदीम चौहान हजारों कार्यकर्ताओं के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए। नदीम चौहान का कहना है कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए मैं इंडिया गठबंधन में शामिल हुआ हूँ। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी को बजरंग दल वालों ने हनुमान मंदिर में दर्शन करने से रोका। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए सपा विधायक ने हनुमान मंदिर में दर्शन किया। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन खबरों को आप YouTube पर देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के जरिए हमसे जुड़े तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।